तैयारियां करके रखी आपने कि विदेशों में अपना इंडिया का नाम रोशन करेंगे वहां जाके, क्या तैयारियां की? वेल, तैयारी तो कुछ ऐसी नहीं है, बट यही बात है कि जो भी वहाँ पे करें हमारे देश के बारे में ही बात करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। ये फोन बंद करूँ क्या? जी संदीप जी, क्या तैयारी की आपने विदेश के लिए? अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तैयारी होती है कि अपने इंडिया के नाम के लिए वहाँ पे डांस के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छे अच्छे डांसर हैं, कहाँ आप क्या तैयारी तो अभी तो कुछ नहीं की है, अभी तो थोड़ा समय है, पर लेकिन यही ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग वहाँ पे जाएँ तो हिंदुस्तान का नाम हमेशा रोशन ही रहे और हमेशा और ऊपर जाए। हमारे डांसेस जो हैं, हमारे जो संगीत है, वो लोगों को बहुत पसंद है दुनिया भर में, और उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को और लोगों के नज़दीक लाने के लिए हम लोग जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, और वहाँ पर जाकर के बताना, समझाना लोगों को कि हमारा बॉलीवुड किस तरह से दुनिया भर में छाया हुआ है और ज़्यादा छाने वाला है, तो उसके लिए जो पूरा बोझ है हमारे कंधे पे रहेगा, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू शोल्डर इट वेल। बट तैयारी यही है कि वहाँ पे जो जाएं बस नाम ही बड़ा करें और ऐसा कुछ ना करें कि कहीं पे नाम कम हो जाए। इससे पहले कितने आपने फेस्टिवल में अटेंड कर चुके हैं? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ मैं, तो एक और हमने अटेंड किया था, सेंट ट्रोपेज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो बहुत बड़ा है फ्रांस में, स्पेन में और इंग्लैंड में। वहाँ पर भी जिस तरह से कांस में बहुत सारे स्टार्स आते हैं, ऐसे भी सेंट ट्रोपेज में आते हैं, और वहाँ पे काफ़ी तरह की अलग अलग फिल्में आती हैं एंट्रीज़ के लिए। वहाँ भी हम लोग गए थे और वहाँ पे बल्कि और कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए थे हम लोगों ने लास्ट ईयर। वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोगों को हिंदुस्तानी फिल्मों का बहुत बहुत शौक़ है। ओनली थिंग इज़ कि शायद उनको पूरा सबके बारे में पूरा समझ में नहीं आता है अभी तक, क्योंकि भाषा अलग होती है, पर लेकिन म्यूज़िक और डांस तो बहुत पॉपुलर है ही और होगा डेफिनेटली। संदीप जी, आपने दुनिया को नचाया है, एक से एक सेलिब्रिटी के जो सुपरस्टार हैं, तो जब कान फिल्म फेस्टिवल में आपका बहुत खुशी होती है। वहाँ पर मैं सोनम से मिला रेड कार्पेट पे, मल्लिका शेरावत से मिला, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आई थिंक उनको देख करके अभी तो वो बहुत बड़े स्टार्स बन गए। जब उन्होंने सीखा था, सोनम जब सीखने आई थी तब तो वो स्टार भी नहीं थी, पिक्चर भी नहीं की थी, तो उनको इस तरह से उनमें चेंज देखना, उनमें कॉन्फिडेंस देखना, और डांस ने ऐड किया था कॉन्फिडेंस, फिल्मों ने और ऐड किया है कॉन्फिडेंस, और उस प्लेटफॉर्म पे मिल करके जब वो बोलते हैं हेलो सर, हाउ डू यू डू, आई थिंक इट फील्स वेरी प्रिविलेज्ड, इट फील्स बहुत ऑनर मिलता है, बहुत खुशी मिलती है कि इस तरह सम्मान मिले किसी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर के हमारे लोग बोले कि ओ यू आर द वन हु हैज टॉट अस टू डांस, आई थिंक इट फील्स ब्यूटीफुल। आप विदेशों में भी सिखाते हैं संदीप जी? अगर बात करें इंडियन कल्चर जो है, आप डांस है, वेस्टर्न भी करते हैं, आप मराठी फोक भी, हर तरह के डांस करते हैं, बीच में आप कंट्रोवर्सी में भी आए थे,